41 करोड़ के बजट में बनी सिंघम मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 157 करोड़ है। यह अजय देवगन के करियर की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में शुमार करती है। इस फिल्म में आप लोगों ने अजय देवगन को बाजीराव सिंघम के किरदार में देखा था, जबकि काजल अग्रवाल काव्या के रोल में और प्रकाश राज जी जयकांत सिकरे का रोल प्ले किए हैं और वो इस फिल्म के लीड विलन हैं। अब अजय देवगन हैं और उनकी फिल्म मेकिंग यहाँ पर आप देखने वाले हो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप जो देखोगे वो शायद आप किसी और फिल्म मेकिंग से एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो यह काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, यानी कि आप इस वीडियो में देखोगे कि शूटिंग के दौरान अजय देवगन कैसा बिहेव करते हैं और उनका एक्शन सीक्वेंस कैसा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है जो आप देखोगे वो है रोहित शेट्टी की फिल्म मेकिंग, क्योंकि वे कार उड़ाने में मास्टर हैं और असल में भी वे शूटिंग के दौरान असली गाड़ियों की वाट लगा देते हैं। तो देखिए, सिंघम मूवी का मैक्सिमम पार्ट गोवा में शूट हुआ है। इसके अलावा मुंबई फिल्म सिटी का भी फाइटिंग सीक्वेंस शूट आपको देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र के सतारा और वाई में भी इसकी शूटिंग हुई है, जिसे आप देखोगे। तो मैं आपको सिंघम मूवी का बिहाइंड द सीन दिखाने जा रहा हूँ, साथ ही साथ आप इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जानोगे। तो ये वाला सीन साउथ ईस्ट मुंबई के फेमस हिल स्टेशन पर शूट हुआ था। एक्चुअली इसकी शूटिंग पंचगनी में हुई थी। फिल्म मेकर ने इसके लिए लेट नाइट का शेड्यूल रखा था, जिससे कि बेस्ट शॉट मिले एंड तब वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। एक्चुअली बाजीराव सिंघम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहते हैं, जो अपने गांव शिवगढ़ के पुलिस स्टेशन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका टकराव गोवा के एक पॉलिटिशियन और गैंगस्टर से होती है, जिनका नाम जयकांत सिकरे है, यानी कि प्रकाश राज। दरअसल किसी मर्डर केस की वजह से सिंघम उन्हें अपने पुलिस स्टेशन आकर उन्हें साइन करने पर मजबूर कर देता है, जो बात जयकांत सिकरे को अच्छी नहीं लगती है और वह अपने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसका ट्रांसफर गोवा सिटी में कर देता है। और गोवा में जयकांत सिकरे का ही सिक्का चलता है, जो कि काफी मजेदार है। एंड यह फिल्म काफी मजेदार है, इसे तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, इसलिए मैंने आपको इस फिल्म की स्टोरी रिमाइंड करवा दिया है। जो ये फाइटिंग सीक्वेंस आप यहाँ देख रहे हो, गोवा में वो शूट हुआ था। बीच के किनारे का यह फुल सीक्वेंस उसी जगह का है। वहीं यह स्ट्रीट वाला फाइटिंग सीक्वेंस को भी गोवा में ही शूट कर लिया गया था। यहाँ आप अजय देवगन के हार्ड वर्क तो देख रहे हो। इस जगह वह एक बंदे को फेंकता है। एक्चुअली ये एक मास एक्शन मूवी है, तो इसमें उन्हें एक साथ 40 से 50 बंदों से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ जिस तरह से आप उन्हें एक्शन करते हुए देख रहे हो, एक्चुअली उन्होंने हार्ड वर्क तो काफी करी है, बट लोग जो यहाँ इधर उधर उड़ते आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली क्रेन से बंधे हुए हैं। वायर की वजह से उन्हें लटकाया जा रहा है, जिससे कि एक्शन परफेक्टली हो और आप देख ही रहे हो कि ये कलाकार कितना मेहनत कर रहे हैं। इस मूवी के लिए अजय देवगन ने 6 महीने तक ट्रेनिंग ली थी, जिससे कि वह मस्कुलर दिखे और एक्शन में फिट रहे। इस वाले सीक्वेंस में जब अजय देवगन बेल्ट से मारकर बंदे को घसीटते हुए ले जाते हैं, तो आप गौर से देखोगे तो वह बड़े आसानी से बंदे को खींच रहा है, लेकिन असल में वह बंदा एक वायर से बंधा है, जो कि क्रेन के माध्यम से खींचा जा रहा है। एंड इस तरह के एक्शन करते हुए काफी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी ना हो। इसके लिए गद्दे भी छाए जाते हैं, बट कई जगह पर तो आर्टिस्ट को चोट लग ही जाती है, चाहे वह कितना भी बचाव कर ले। अब आप इसी सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पर इसे शूट करना कितना जोखिम भरा था। एक्चुअली में सच में इस सीन को इस तरह से ही शूट किया गया था, जिसे कि आप मूवी में देखे थे। यहाँ पर हल्की सी चूक होने पर शायद इन कलाकारों की जान भी ना बचती। यह बिल्कुल रियल है एंड ये सारी चीज़ें तो रोहित शेट्टी की फिल्म को डिफरेंट बनाती है ना, एंड उनका एक्शन शूट करने का तरीका भी लाजवाब होता है। अब हम आपके इनके इस कार वाले सीक्वेंस को देखते हैं, जिसका कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रोहित शेट्टी कार उड़ाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो देखिए किस तरह से इन कारों को उड़ाया जाता है, जो कि मैक्सिमम टाइम रियल ही होते हैं। एंड ये वाला सीक्वेंस एक असली पार्किंग एरिया में ही शूट करा गया था।
अब इस जीप वाले शूटिंग को देखिए, तो देखिए इसकी शूटिंग कैसे हुई थी। यहाँ पर रोहित शेट्टी ने एक असली जीप को ही उड़ा दिया था। यहाँ देख रहे हो कि एक बड़े से क्रेन कैमरे से इसे क्लोजअप से शॉट लिया जा रहा है, यानी इस वाले सीन को क्लोजअप से शूट किया जा रहा है, जबकि मूवी में हमें इसी एंगल से यह वाला सीन दिखाया गया था। यहाँ आप देख रहे हो कि जीप पूरी तरह से तबाह हो गई है और वह समुद्र में जा गिरी है। आप प्रकाश राज की एक्टिंग का नमूना देख रहे हो, वह असल में भी एक मजे हुए एक्टर हैं एंड उनका रिएक्शन टाइमिंग कमाल का होता है। अब इस पुलिस स्टेशन वाला इंटरेस्टिंग सीन को देखिए। यहाँ पर प्रकाश राज मजबूर होकर पुलिस स्टेशन उनसे मिलने आता है। यहाँ उनके एक्टिंग की जितनी तारीफ करी जाए कम है, क्योंकि यह वाला जो शूटिंग के दौरान भी जो सीक्वेंस आप देख रहे हो जो कि काफी रियल लग रहा है शूट होते हुए भी, है ना। यहाँ सिंघम का टाइटल ट्रैक शूट होते हुए दिखाया गया है, जिसे शिवगढ़ में बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के सभी सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है गणेश आचार्य जी ने, जिन्होंने पुष्पा के कुछ गानों को भी कोरियोग्राफी करी थी। वह फेमस और मजे हुए कोरियोग्राफर हैं। बाय द वे उसमें उनका जो सिग्नेचर स्टेप था, यानी इस वाले सॉन्ग में, वह पंजे वाला स्टेप था। एंड वो जो है गणेश आचार्य जी, वो हर एक सॉन्ग को एक अलग तरीके से करते हैं एंड उसके हर एक सॉन्ग में एक सिग्नेचर स्टेप होता है जो कि वो हर फिल्म में हर सॉन्ग में डिफरेंट करते हैं। हर एक सॉन्ग में आप ओ अंटावा वाला जो जितना भी सिग्नेचर स्टेप था वहाँ तो तीन चार था जो कि काफ़ी पसंद किया गया। एंड आपने अगर पुष्पा मूवी वाला BTS बिहाइंड द सीन का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे चेकआउट कर लेना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मैं उसे आपके यहाँ पे साइड में एंड स्क्रीन में उसे डाल दूंगा, तो उसमें आप सारी चीजें देख पाओगे। तो यहाँ पर रोहित शेट्टी को निर्देशन देते हुए देख ही रहे हो, तो देखिए रोहित शेट्टी एक टैलेंटेड डायरेक्टर है। उन्होंने सिंघम में बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से उन्हें यानी इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंघम एक्चुअली एक रीमेक फिल्म है? असल में इस फिल्म के एक साल पहले यानी 28 मई 2010 को इसी नाम से एक मूवी आई थी साउथ में, जिसका नाम भी सिंघम ही था। उसमें लीड एक्टर सूर्या थे। एक्चुअली मैं सूर्या की बात कर रहा हूँ, उसी सूर्या की जिनके एक्टिंग की तारीफ आज हर जगह हो रही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में विक्रम मूवी में रोलेक्स सर का जो रोल प्ले किया था ना, वो इन दिनों काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो उसका भी, विक्रम मूवी का भी बिहाइंड द सीन आप हमारे चैनल से देख सकते हो। बाय द वे सूर्या के सिंघम में लीड विलन प्रकाश राज ही थे, यानी उस मूवी में भी जो साउथ का मूवी था। वो फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने 90 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना नाम शामिल करवाया था। फिल्म के आते ही रोहित शेट्टी ने उसका स्क्रिप्ट और राइट्स खरीद लिया और फिर उसका रीमेक बना डाला था, जो कि ठीक एक साल बाद यानी 22 जुलाई 2011 को आई यह फिल्म भी सुपरहिट ही रही। अगर आप रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को देखोगे तो उसमें से 80% फिल्में रीमेक ही हैं, या यूं कह लीजिए रोहित शेट्टी को रीमेक किंग भी बोला जाता है। तो देखिए सिंघम फिल्म अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी में बनी सातवीं फिल्म थी। यह उस साल यानी 2011 की सबसे पॉपुलर फिल्मों में शुमार करने लगी थी। हालांकि इस फिल्म की टक्कर उसी साल रिलीज हुई सलमान खान की दो फिल्मों यानी बॉडीगार्ड और रेडी से भी हुई थी, जबकि शाहरुख खान की भी दो फिल्में उसी साल आई थी जो कि रावण और डॉन 2 थी, एंड दोनों ही एक बिग बजट मूवी थी। उसके बावजूद अजय देवगन की सिंघम को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उन्हें 2011 में सुपरस्टार ऑफ द ईयर से नवाजा गया था, जबकि प्रकाश राज को बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था। तो देखिए फिल्म में काजल अग्रवाल दिखी थी जो कि साउथ एक्ट्रेस है। हालांकि रोहित शेट्टी की पहली च्वाइस वो नहीं थी, उन्होंने आसिन और अनुष्का शेट्टी को भी उस के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद काजल अग्रवाल को ही काव्या का रोल मिल गया था।
सिंघम फिल्म के बाद ही रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत अभी दो फिल्में आप लोगों ने देखा, जिसमें कि सिम्बा और सूर्यवंशी में भी अजय देवगन यानी सिंघम को इंक्लूड किया गया था। यह उस समय का सीन है जब जयकांत सिकरे का आदमी यानी कि शिवा नायक सिंघम के पुलिस स्टेशन पर जाता है और वह बिना पूछे ही चेयर पर बैठने लगता है। तभी अजय देवगन कहते हैं कि जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यह डायलॉग भी अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर से कॉपी है, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। एंड आप यहां सिंघम के उसी सीन की शूटिंग भी देख रहे हो। सिंघम मूवी का क्लाइमेक्स वाला पार्ट यानी कि यह वाला सीन जिसकी शूटिंग आप देख रहे हो, यह गोवा के एक फेमस चर्च के पास शूट हुई है। एक्चुअली इस चर्च का नाम बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है। तो देखिए दोस्तों, फिल्म मेकिंग में लगे हार्डवर्क को दिखाने के लिए हम तत्पर हैं, ताकि आप लोग भी जान सके कि लाइमलाइट की दुनिया लोगों को आकर्षित करती है, बट उसके पीछे का भी हार्डवर्क बहुत ज्यादा है। आप अपने दोस्तों और फैमिली से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।